नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों ही ऐसे नेता हैं जिनकी मांग सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। एक तरफ मोदी ने यूक्रेन से भारतीय छात्रों को सकुशल लाकर और G20 की अध्यक्षता करके अपनी ताकत का अंदाजा करवा दिया, तो दूसरी तरफ सीएम योगी के पास विदेशों से आ रहे निवेश ने उनकी छवि को एक अलग रूप दे दिया है। लेकिन आज आप सुनिए खुद योगी क्या कहते हैं इस बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की एक दिवसीय बैठक हुई। इस बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे। बैठक को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पहली बार 5 साल काम करने के बाद दोबारा बीजेपी की सरकार चुनी गई। प्रदेश के अंदर 2 उपचुनाव हुए, आजमगढ़ और रामपुर। दोनों उपचुनाव में हमने जीत हासिल की। विजेता के रूप में काम कैसे होता है भाजपा ये बखूबी जानती है। योगी ने आगे कहा कि गुजरात में भाजपा ने रिकॉर्ड जीत हासिल की और बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी ने आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत सबको जोड़ने का काम किया। 140 करोड़ की आबादी ने इस उत्सव में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दी। जहां भी दुनिया में संकट आया, सबकी नजर पीएम मोदी पर आकर रुक गई। मोदी है तो मुमकिन है। पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता की, भारत को अपना सामर्थ्य दुनिया में साबित करने का मौका मिला। यूपी के सीएम ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर असीम संभावनाएं हैं। काशी की तरफ दुनिया आकर्षित होती है। विरासत का सम्मान करते हुए कार्यक्रम किए जाते हैं। राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। इस बैठक में बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश के प्रभारी सुनील ओझा, प्रदेश संगठन धर्मपाल सिंह, विनय कटियार, स्वतंत्र देव सिंह, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष वेखा वर्मा, अनुज चौधरी, कौशल किशोर समेत अन्य दिग्गज नेता शामिल हुए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बैठक के बाद कहा कि बैठक में पदाधिकारियों समेत पूरे प्रदेश से 700 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि 5 फरवरी तक जिलों में और 12 फरवरी तक भाजपा की सभी मंडल इकाइयों में कार्य समिति की बैठक पूरी कर ली जाएंगी। भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री के उद्बोधन को भी दोहराया और कहा, जो संकल्प करता है वो इतिहास रचता है। हम आजादी के अमृत काल को कर्तव्य काल में परिवर्तित करें। पीएम मोदी और सीएम योगी रोज नया इतिहास रच रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी योगी का डंका दुनिया में बज रहा है। दूसरी तरफ 400 दिन पहले से ही बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर फुल और एक्शन में नजर आ रही है, इसीलिए पार्टी की बैठकों का दौर रफ्तार पकड़ रहा है। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।